रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के सामने हुए विस्फोट पर शहर में अफरा तफरी मची हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें सामने आ रही है। अब इस मामले में सीसीटीवी के जरिए एक और खुलासा सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ स्कूल विस्फोट जांच के सिलसिले में आसपास और सामने के बाजार के सभी सीसीटीवी डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है और दिल्ली पुलिस सभी सीसीटीवी खंगाल रही है। इस दौरान दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध सफेद टी शर्ट पहने हुए घटनास्थल पर दिखाई दिया है। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट से एक रात पहले विस्फोट स्थल पर यह गतिविधि देखी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार विस्फोटक को पॉलिथीन बैग में लपेटकर आधे से एक फुट गहरे गड्ढे में लगाया गया था। लगाने के बाद गड्ढे को कचरे से ढक दिया गया था।